अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से। आज आपके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस होंडा सिविक रिबर्थ के साथ लेकर आया हूँ। सॉरी, अच्छा इसका भी हम 0 to 100 टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसी बंद है, ट्रैक्शन कंट्रोल उसमें होता ही नहीं, गाड़ी डीप पे है और आर यू रेडी गाइस, 3 2 1 गो। तक तो व्हील स्पिन हुए, हो गया। ऑटो इसी क्लाइमेट कंट्रोल है, आप देख सकते हैं। ऑटो दबाएंगे और टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ेगा 30 पे का भी, जैसे मैंने 30 पे किया हुआ है। 30 पे कर दो तो ये खुद ही ऑटोमेटिक 30 के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। और दूसरा ये अभी 0 to 100 करते हुए एक गलती होगी मुझसे, गाड़ी इकोन मोड पे थी, इसमें इकोन का बटन है ना उस पर थी, तो भी मेरे ख्याल 11 सेकंड किए हैं। अगर वो ऑफ होगा तो शायद थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ेगा। भाई एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ब्लॉक भी है ये और एक्सपीरियंस भी आपको मैं बता दूं। भाई सबसे पहले पावर की बात करें तो आपने देखा रहे पीस्ट है, पीस्ट मतलब क्या बताऊं, प्योर पीस्ट है, ठीक है। आजकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा भाग रहे हैं लेकिन ये पीस्ट है। इसकी जो ड्राइव है ना, आप देखोगे मतलब कैसे मैं इसको चला रहा हूँ। मेरे पास व्हाइट गाड़ी थी इससे पहले बगैर सनरूफ वाली, वो भी उसको मैंने 175 पे चलाया था, 175 पे से चल रही थी, मैं ऐसे बैठा होता ऐसे बिल्कुल मीरपुर रोड पे, वो है तो खतरनाक रोड पर, मैं खाली रोड मिला तो मैंने उसको खींचा, तो बिल्कुल मैं ऐसे बैठा होता ऐसे, कोई मुझे टेंशन नहीं थी कि मैं इधर उधर गाड़ी जा रही है या क्या है। रोड ग्रिप हैंडलिंग तो बच्चे को पता है, पर फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि सिविक तो फिर रोड ग्रिप हैंडलिंग का किंग है, किंग ये वाला और एबोन और नए वाला। और दूसरा है ब्रेक की, जहाँ तक बात कर ली जाए ब्रेक भी अच्छी है इसकी। फ्यूल एवरेज की बात करी जाए तो 19 लीटर में गाड़ी चली है 188 किलोमीटर, जिसमें मैंने मतलब मैं शहदारपुर आया गया हूँ और यहाँ पे चला रहा हूँ, मतलब शहर में 2-3 दफा कल भी गया हूँ, तो 150 किलोमीटर तो आप शहदारपुर लगा लो, मतलब उधर भी शहर में मैंने चलाई, तो उसके बाद बकाया जो बच रहा है वो इधर हैदराबाद में मैंने ड्राइव की थी, तो वो आपको जो निकलता है फ्यूल एवरेज का हिसाब किताब वो जहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आ रहा होगा। दूसरा है कि एसी की चिलिंग की बात कर लिया बेहतरीन है और थ्रो भी पीछे तक जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, 5 लोग बैठे हो गाड़ी में, डिग्गी में सामान हो कहीं नहीं लगती, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है वो बम्पी नहीं है तो उसकी वजह से कहीं लगती नहीं है गाड़ी। दूसरा है रीसेल वैल्यू बिल्कुल VIP है, अगर गाड़ी अच्छी हो तो, जैसे ये गाड़ी है पूरी जेन्युइन है, संभली हुई गाड़ी, 64,000 चली हुई है, 40,000 चली हुई है, 30,000 चली हुई है, तो पहली फुर्सत में लेनी चाहिए। हाँ 1 लाख से ऊपर है, कुछ कुछ गाड़ी ऐसी होती है संभली होती है, मेरे पास से पहले थी वो 80,000 चली हुई थी लेकिन वो संभली हुई थी, तो अगर मीटर पीछे नहीं है ओरिजिनल चली हुई है 80,000 70,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख भी चली हुई है तो उनको परवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है अगर संभली हुई हो तो। संभली हुई का मकसद है कि इसमें अगर ब्रेक का काम आ गया, इसमें अगर सस्पेंशन का काम आ गया, मैंने इसको चलने दिया खराब होता गया, मतलब खराब हो के जब मैंने इसको जाके काम करा तो वो डबल से ट्रिपल खर्चा मुझे लगेगा, फिर मैं लोगों को कहता रहूंगा, जैसे लोग मुझे कहते हैं कि यार ये तो काम बहुत मांगती है यार, रिलायबल नहीं। अबे भाई रिलायबल कैसे होगी, मेरी यारिस है ठीक है, उसका थोड़ा सा भी काम होता है मैं फटाफट करा देता हूँ, मुझे पता है कि उसको मैं छोड़ूंगा तो वो ज्यादा काम निकलेगा, तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है। अच्छा इसका सामान तो मुझे पता है महंगा है, इंजन के माउंट वगैरह इसके टूटते हैं, रिबोन के भी टूटते हैं, इसके भी टूटते हैं, खड़ी खड़ी गाड़ी में काम आ जाता है वो इंजन का माउंट हो गया। सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं कि यार सस्पेंशन में इसके काम है, और ये सेकंड टाइम हम यहाँ से टर्न करें, सस्पेंशन में इसके काम है मतलब हो जाता है टायर में। भाई मेरे पास ये दो मैनुअल, हाँ दो नहीं तीन मैनुअल रखी है मैंने 2015-17 में, और ये वाली इससे पहले वाइट वाली, कोई सस्पेंशन का मेरे पास तो काम नहीं आया, मतलब गाड़ी संभली हुई जाए मिल जाती है तो उसमें काम नहीं होता, बाकी काम है तो 20-25,000 हिस्सा इसका खा जाता है आगे अगर आप प्रेसिंग वगैरह कराते हैं तो। बाकी काम तो है, जो बात है वो माननी पड़ेगी कि रिलायबल है, लेकिन अगर बिल्कुल इसको मतलब आप एक छोटे बच्चे की तरह संभालें तो, अगर कोरोला जैसे कंपेयर करें तो कोरोला पे आप जाते हैं मतलब इसको कंपेयर करें तो वो रिलायबल बहुत ज़्यादा है, उसको आप उसकी देखभाल अगर आप नहीं भी करते तो वो चल जाती है, ये नहीं चलती, ये नवाब गाड़ी। दूसरा है कि गेयर शिफ्टिंग कॉस्मेटिक है, पता नहीं चलता अभी आपके सामने, इसको मैं थोड़ा सा रेव करता हूँ, पहला गेयर चल रहा है, दूसरा
दूसरा गियर, तीसरा गियर, चार गियर होते हैं इसमें, तो कोई झटका फील नहीं होता। और जो स्पीड में चलती है ना, बिल्कुल वो स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है जब इसको हम, अब देखेंगे अब इसको मैं, मुझे देखिएगा, मुझे अब देखिएगा, ये जो उसने पीछे एक झटका दिया ना, वो एक एक चाम है इसमें सारे पैसे उसके। और दूसरा ये कि ग्राउंड क्लियरेंस भी मैंने आपको बताई, सस्पेंशन जो है गाड़ी का ऐसा है, मैं बोलता हूँ VIP। मेरे पास अभी घर की यारिस है, मतलब एक साल हो गया उसको, अगर आप लोग मेरे देख रहे हैं तो, मेरे पास ये जहाँ पे वो उछलती है ना, जहाँ पे वो उछलती है ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, ये जो भी खराब रोड यहाँ पे चल रहा है, अगर मैं इसमें आता हूँ, ये जो नहीं साइडों में खराब रोड होते हैं, ये साफ रोड है, ये खराब रोड है, ये कौन सा है, ये अब्दुल्ला वाला रास्ता इस साइड वाला, तो इस पे जो ये गाड़ी जम के चलती है ना, वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, जहाँ पे वो यारिस उछलती है ना, वहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे सुन निकलती है, सुन गाड़ी बिल्कुल, मतलब पता नहीं चलता। स्पीड ब्रेकर का भी इसी ने इसमें, क्योंकि वर्किंग नहीं है, आगे पीछे वर्किंग नहीं है, तो ये स्पीड ब्रेकर पे भी आराम से निकल जाती है, भले वजन में गाड़ी हो, पांच लोग बैठे हो, पीछे डिक्की में हो, सामान कहीं लगती नहीं है, लगेगी तो आगे मड फ्लेवर कभी कभी लग जाते हैं, बाकी इसे ज्यादा नहीं लगते। अगर आप कोरोला से कंपेयर करें तो, यारिस होगी, कोरोला होगी, कोई भी वेरिएंट हो गया, रीसेल मैंने आपको बता दी। प्राइस रेंज की बात करी जाए तो 28 से लेके 31-32 लाख रुपए कंडीशन पे डिपेंड है। मुझसे आप पूछेंगे गाड़ी वर्थ इट है नहीं है, भाई वर्थ इट तो है, आप देख सकते हैं सनरूफ भी है गाड़ी में, आपके पास मतलब इतना पावर है गाड़ी में, फ्यूल एवरेज जो है वो तकरीबन 11-12 का होगा, सिटी में होगा 8-9 का, बाहर जो है वो 11-12, लोग तो बोलते हैं कि 16-16 भी देती है, लेकिन मुझे नहीं देती 16, कैलकुलेशन अभी नहीं की, शायद उसमें 16 का भी आया हो, मुझे पता नहीं। दूसरा है कि इसमें जो है लेदर सीट का और आफ्टर मार्केट लगे हुए, इसमें ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल वाली भी होती है, उसको UG बोलते हैं, साइडों में भी यहाँ पे लेदर लगा हुआ था, इसमें नहीं है, ये नॉन UG है। और दूसरा है कि ये जो शशका है ना इसका, ये पूरा यहाँ पे पूरा स्पीड में स्पीड आ रही है डिजिटल, ये सामने MID आ रही है, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, AC क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो AC क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग, सारे फीचर है गाड़ी में। नई गाड़ियों से कंपेयर करें, जैसे अल्सविन हो गई, यारिस हो गई, इतने पैसों में आपको 2021 की यारिस मिल जाएगी, फुल ऑप्शन वाली, फुल ऑप्शन वाली नहीं, 21 की नहीं मिलेगी, 20 की शायद मिल जाएगी। ऑल्समिन है वो भी आपको शायद यूज में मिल जाए इतने पैसों में। कंपेयर आपको करके बता रहा हूँ कि वर्थ इट ये है, और वो वाली जो है उनसे कंपेयर करें तो वो बेहतर है या नहीं। भाई देखो ये इसमें होता है आवाज़ जो है ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो आवाज़ होता है। भाई देखो नई पे जा रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप जाओ भले, बाकी इस जैसा मजा किसी नई में नहीं है इतने पैसों में। जो बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी यारिस है, उसको चलाता हूँ, स्मूथ बहुत है वो, इससे ज़्यादा स्मूथ है, खड्डों वाले रस्तों पे वो जहाँ आराम से निकलती है, इसमें ब्रेक मारनी पड़ती है। अब आप कहेंगे टायर भी आप सस्पेंशन में कह रहे थे कि वो बम्पी है और ये आराम से वहाँ से निकल जाती, तो ये अलग अलग बातें हैं सस्पेंशन में। देखें एक खड्डों वाला फुल हार्ड कोर खड्डे होते हैं, पुल ऐसे नीचे ऊपर होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऐसे हल्के फुल्के खड्डे, हल्के फुल्के खड्डों में यारिस, कोरोला, आपकी अल्सविन का तो मुझे पता नहीं, बाकी कोरोला यारिस जो है ना पूरी ऐसे ऐसे हिलती है जहाँ पे, तो ये वहाँ पे ऐसे नहीं हिलती, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, चारों व्हीलों को अपना अपना दिया हुआ है, अलग अलग है कट, मतलब बीच में वो कोरोला की तरह साथ नहीं है कि पिछले व्हील जो है वो साथ ही काम करेंगे, इसमें ऐसे नहीं, इसलिए ये जो है वो जम के चलती है खड्डों वाले रास्ते पे, बिल्कुल हार्ड कोर खड्डे है ना वहाँ पे आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी, उसमें वहाँ यारिस निकल जाएगी आपसे, ये इसी ने। और दूसरा ये कि बैठने में खुला सी बहुत ज़्यादा ये गाड़ी, आप देखें तो दूसरी गाड़ियों से अगर कंपेयर करें तो, यारिस से और इससे कौन सी आपकी, ये अल्सविन है, नहीं पे मैं आपको कर रहा हूँ, यूज़ में हम जाते हैं तो इतने पैसों में अगर आपको अल्टिस 1.6 मिलती है तो मैं तो उसको मिलाऊंगा भी नहीं इससे, ये बहुत आगे की चीज़ है मेरे पास, इसलिए नहीं बोला, बहुत आगे की चीज़ है। और दूसरा है कि कौन सी ग्रैंडे आपको इतने पैसों में कौन सी मिलेगी, 17 की पुराना शिप, 17 की शायद नया शिप मिल जाए शायद, तो वो भी सही है, उसमें इसमें सिर्फ ये है कि वो बम्पी होगी, सस्पेंशन उसका यारिस की तरह है, और वो यारिस की तरह नहीं, यारिस से भी बेकार है, ग्रिप नहीं है उसमें, लोग बोलते हैं 19-20 का फर्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 19-20 का फर्क है, पागल हो गया, 19-20 का फर्क है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है अभी गाड़ी में, फिर भी गाड़ी 170-180, मेरे पास पांचवी गाड़ी आपको बता रहा हूँ, मेरे पास मैनुअल होती थी पहले, उसको तो मैंने बहुत भगाया था, और वो ग्रिप भी ऐसी होती थी, कराची रोड पे कोई आ गया, अचानक आ गया, ब्रेक लगाई या टर्न करके निकल गए, इजी बिल्कुल,
कोरोला में ऐसे नहीं है बिल्कुल, 19-20 का फर्क नहीं है, 1900 और 2000 का फर्क शायद हो सकता है। और दूसरा है कि गारंटी पर आएंगे तो वो आपकी मर्जी है, फिर वो सारे ऑप्शन है आपकी मर्जी, आप जिस पे जाए। मैं आपको बोलूँगा कि आप इस पे जाओ, ये भी अच्छी गाड़ी, नहीं पे जा रहे तो यारिस पे जाओ। अल्फिन तो बेकार है, मैंने उसको चलाया, ड्राइव की मुझे मज़ा नहीं आता, फीचर्स तो बहुत है उसमें लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। सुजुकी स्विफ्ट भी आती है इतने पैसों में, लेकिन वो भी 0 मीटर पे फिर आ जाते हैं, तो वो आपकी मर्जी, आप लो या नहीं लो, मैं आपको नहीं करूँगा उसका। अभी हमने ओनर रिव्यू भी बनाया था फुल ऑप्शन वाली का, फुल ऑप्शन वाली तो शायद आपको नहीं मिलेगी इतने पैसों में, जिसकी बुकिंग हुई हुई होगी वो उनको पड़ी होगी 30 लाख में, बाकी अभी तो आप लेने जाएंगे तो 33-34 में मिलेगी। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस, मुझे गाड़ी ने कभी भी तंग नहीं किया, अभी मेरे पास थी कोई 7-8 दिन मेरे पास थी गाड़ी, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने, मुझे कहीं भी इसने मतलब तंग नहीं किया, बहुत मज़ा दिया गाड़ी ने, और लेनी चाहिए बिल्कुल, आपको भी कोई मिल रही हो। हाँ, ये शर्त ये है सिविक में, रिबोन में हो, रिबर्थ हो, नई वाली एक्स हो, देखो गाड़ी ओके होनी चाहिए, मतलब गाड़ी में कोई शिकायत ना हो, मतलब बिल्कुल डंडा गाड़ी, डंडा जिसको बोलते हैं, सस्पेंशन ओके हो, 10x10 हो, इंजन 10x10 हो, बॉडी तो चलो आपकी मर्जी, आपको टचअप गाड़ी अगर आप लेते हैं तो आपकी मर्जी, आपको सस्ती अगर मिली तो टचअप गाड़ी भी ले लो, मैं नहीं लूँगा ना, मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं यार आप तो, आपको तो मिलती है, हमें मिलती नहीं है, फिर आप बोलते हो कि जेन्युइन लेनी चाहिए, वो आपकी चॉइस है, आप लो नहीं लो, मेरी हमेशा चॉइस यही होती है कि जेन्युइन गाड़ी हो, सही है, और इंजन इंजन सब ओके हो, तो ये सीन है, फिर आपको गाड़ी कभी भी तंग नहीं करेगी। 6-6 महीने भी मैंने रखी थी मेरे पास, थी मैनुअल गियर में, बेसिक थी, 6 महीने मेरे पास थी, सिर्फ ऑयल टाइम पे चेंज करता था, कभी भी उसने मुझे तंग नहीं किया गाड़ी में, ये सीन है इसका। 0-100 शायद और भी कम होता, इसमें टायर जो है 205 के लगे हुए हैं, 205/65/15 के लगे हुए हैं, ओरिजिनल 195/65/15 के होते हैं। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी इससे जाहिर है, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था टायर भाई इसके साथ आप बनाओ, ये दिल के करीब है मेरे, 3rd नंबर पे, 2nd पे, पहले पे जब वो गाड़ी आएंगी फिर हम उनकी भी बात कर लेंगे कि वो कौन सी। हैंड ब्रेक इसकी इतनी मज़े वाली नहीं होती, मतलब अगर कहीं ऊपर आप चढ़ाएंगे ना आपको फिर पता चलेगा कि हैंड ब्रेक इसकी कितनी काम करती है, इतनी खास काम नहीं करती रिबॉन की तरह।